बन जाता है, मुझे लगा उल्टा होता था। और कोई जवाब दे सकते हैं, हम क्यों शादी करते? अच्छा जो बैचलर लोगों को बताओ यार, शादी करोगे कभी ना कभी तो? करने वाले हो कि नहीं करने वाले? क्यों करोगे बताओ? हाँ बोलो बोलो। कुछ भी तो नहीं रह सकते ना। अच्छा ये भी एक एंगल है। चलो खुश नहीं रहना चाहते, मत करना शादी, छोड़ो। और इधर से कोई बताओ बताओ। हाँ हाँ बताओ। उनके पास
इतनी एनर्जी होती है कि बस, और ऐसा लगेगा दूसरे को देख कि नया पापा है
क्या बताए घर में लड़ाई करते हो। मैंने मेरे से एक बार ऐसे ही एक पार्टनर ने मुझसे पूछा, मेरी बीवी मुझसे लड़ती बहुत है। मैंने बोला रहने दे यार, पता है ऐसा होता है। फिर आगे नहीं जी आप बताओ, आपको पता होगा क्यों लड़ती है बताओ। मैंने देखा मुझे कैसे पता तेरी बीवी है तुझसे लड़ती। लेकिन फिर भी अड़ा रहा। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते मैं लेट जाता हूँ ना काम करता हूँ तो उसे लगता है मैं कहीं और कहाँ गई कल पी के आ रहा हूँ। पीके जाते नहीं, पीके तो नहीं जाता। फिर भी अच्छा वेरी गुड। मैंने बोला चलो, उनको बोला क्या कर रहा है आप में से कोई बता सकता क्या कर रहा है? लड़ाई हो गई। अब देखो उसे लगता है बीवी को इतनी इतनी देर तक काम करता है, सैलरी फिर भी वही है, पता नहीं क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई मेरे साथ आज के 10 कदम कैसे होंगे अपनी बीवी ले लो कोई बात नहीं समझ में आ रहा। अब ऐसे जाएंगे ना तो फिर ऐसे आप उधर जाओ, रोल रिवर्सल करते इधर आप इधर आओ मैं इधर, ठीक है? अब रोल रिवर्सल हो गया, ये मैं वो दीपक साहब और ये वो उनकी भी, ठीक है? आ जाना ऐसे जाना, ठीक है? अब ऐसे घूमते घूमते जाओगे ना बीबी भी बोलेगी आप बैठ रहे राणा प्रताप आया आज। घर वालों को भी एक एनर्जी देके रखना, ठीक है? काम पे तो हाँ सर, प्लीज 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 सर आपको हाथ खड़ा करने के लिए प्लीज आप बता। घर कुत्ते को नहीं आना, सुबह ऑफिस के कुत्ते को नहीं आना है। बिल्कुल ये साड़ी मारना पड़ता है, घर में ना दिखा देंगे। तभी मैंने पहले कहा ऑफिस पहले आकर ये सुबह सुबह फिर घर ऐसे जाकर, दोनों में एक एनर्जी होनी चाहिए। देखो हाँ मैं समझता हूँ कि हमारा स्विच ऑफ होता है, हो जाता है, अगर नहीं होना तो फिर जो हमेशा ही खुश रहता है वो पागल खाने में पाया जाता है। स्विच ऑफ होना बहुत नेचुरल है, क्यों नहीं होगा यार? लाइफ चल रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी होता है, हमारा भी स्विच ऑफ होता है। लेकिन व्हाट वी रिक्वायर इज जितनी बार ऑफ होता है उतनी से एक ज्यादा बार ऑन कर, ठीक है? तो हमेशा जब भी कुछ भी हो स्विच ऑफ का कोई भी ऐसा आपके पास पल आए, ये नहीं होना चाहिए भाई दूसरे का भी जाकर स्विच ऑफ कर दे। होना चाहिए कि स्विच ऑन है, ज्यादातर हमारा यही आदत है, हमारा स्विच ऑन है तो दूसरे का भी। बॉस ने बोला क्या बात है काम भी नहीं करता। अब हम सोच रहे कौन सा काम किया तो कोई काम नहीं, अब उसका स्विच ऑफ तो दोबारा करेगा, ठीक है? बॉस के सामने ये मत करने लग जाना, फिर थोड़ा फुट्टा बढ़ जाएगा बाहर आके घर को से तो। लेकिन हमारी आदत है जाके किसी और का हम ढूंढते हैं बॉस को, बॉस में और किसको डांटा जाके वहां जाके बैठ जाएंगे। अब दोनों से जॉब पर चारों में गुड़गुड़ कर मेरे को भी डांटा आज दोनों मिलके से जॉब के। और फिर इसी आदत में हम घर ही चले जाते हैं, होता है? और फिर हम बजा रहे हैं रोड पर। अच्छा बागबान देखिए, सबने बागबान किस किसने देखी है? और तेरी क्या कर दिया इतना वायरस घुसा पड़ा है। अब देखो बागबान जिसने देखी हुई है ना वो डोर बेल बजा रहा है तो उसके दिमाग में वैसी वायरस चल रहा है, उसकी 60 साल में खुशबू आती है, हमारी 30 में ही चली गई। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला घर वालों ने कभी भी इसने भी खोला उसकी शामिल दरवाजा खोलते इतनी देर से पागलों की तरह मैं डोर बेल बजा रहा हूं खोलती क्यों नहीं है? वो समझ आती है पागल समझ गया पागल ही है, वो भी शांत से अंदर जाती है लो जी पानी। अब वाइफ का भी स्विच ऑफ कर दिया,
अब वाइट क्या करे, अब बाहर किसी के घर में नन्हे मुन्ने तो पाए जाते हैं, अब वो आए थे बंटी तेरा क्या बात है, तेरी शर्ट गंदी कैसे, बंटी भी सोचते कहाँ से गंदी है ये तो बताओ, अभी तो चेंज करी है। उसने समझ नहीं आता पापा का बॉस ने सिंचाओ पापा ने मम्मी का करा, तो मम्मी मेरा कर ली, अब बंटी बोले क्या करूँ मैं, बंटी को भी एक गली में दिख जाता भी आप अपने इधर तेरी बॉल वापस क्यों नहीं करता तू, मैं क्या बात है, और बंटी सोचता हर चौथे दिन आ जाता ये बॉल मांग रहे, कौन सी बॉल लिया मैंने, अब ये पैटर्न चलता रहता, और बंटी भी गली में पड़े कुत्ते को जाके एक पत्थर चिपका, ये पैटर्न है ना हमारी डेली लाइफ का रूटीन है, चाहे हम माने या ना माने, किसी ना किसी वे में वी आर टेकिंग दिस लिमिटिंग एनर्जी to our family as well. From work to family, then back to work, then to family. ये circle एक vicious circle है, जो चलता आ रहा है, चलता। Now we need to break that circle. अगर उस आदमी ने जब boss ने switch off करा, शुरू में ही एक बार आके switch off कर लिया होगा, तो ये circle break का, घर वालों को कोई problem face करने की जरूरत नहीं, कोई switch off नहीं होता। तो हमें चाहिए जितनी बार भी हमारा स्विच ऑफ हो उससे एक ज्यादा बारी स्विच ऑन करें, ठीक है, एंड लगे रहे अपने काम, ठीक है। सी थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस, हमारे में एनर्जी आई, अब काम पे आना हमारा इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, टाइम पे काम पे आना इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, और टारगेट मीट करना डिफिकल्ट है कि इंपॉर्टेंट है, अब देखो डिफिकल्ट समझ के आप करेंगे ना तो पहले ही एक हमारे अंदर से एनर्जी निकल जाती है, वी फील कंपल्ड, तो कंपल्शन का जब भी एहसास होगा ना तो एनर्जी will flow out of our body. Okay. So let's take things from the point of view of importance and not from the point of view of difficulty. Okay. Desire difficult. क्या समझते हैं हमसे? वही बता सकता है? हाँ. Very good, very well explained. और कोई? वहाँ से कोई? बताओ लास्ट में। आपको क्या समझ आता है? हाँ हाँ आप ही जो मोबाइल चमका लो। What do you think? What is desire and what is default? बोलो कुछ भी आ रहा है कोई बात नहीं। जो भी आपको लगता है बता दो। पिक्चर, ओके पिक्चर कैसी मतलब फोटोग्राफ मूवी कोई प्लीज हेल्प करें उन्हें कोई भी बताए तू फ्रेम समथिंग ओके और कोई यहाँ पे हमारे भाई बैठे थे सारे कुछ आगे आ जाओ यार यहाँ पे जगह है दो दो सीटों की आ जाओ यार डिजाइन एंड डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है कोई बताए प्लीज एनीवन सी वी वांट टू लिव आवर लाइफ बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट एवरीवन हर कोई आप भी अब तो मतलब तो बताया नहीं आपने यस पहले बोल दिया मतलब तो बता दो कोई और बताया मुझे आपने बताया मुझे और कोई आई नीड सम मोर आंसर्स हां हां बोलो सर डिजाइन का मतलब एक सोची समझी मतलब प्लान की हुई चीज होती है अभी उसको मैंने ऐसे ये डिजाइन देना है
डिफॉल्ट जो चीज है बाय डिफॉल्ट हो गया, गलती से हो गया या बाय चांस हो गया, बाय लक हो गया, दैट इज द डिफॉल्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो डिजाइन है ना, एक मैं चलो आपको एक स्टोरी सुना दूं। एक बार है ना, एक राम भरोसा होता है, उसका नाम ही राम भरोसा, मैंने उसका नाम रखा ही राम भरोसा, इतने काम करता है राम भरोसा। अब रोज सोचता है वो, रोज प्रार्थना करता है, रोज भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। रोज क्या करता है? रोज भगवान से प्रेयर कर रहा है, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। लगा हुआ है रोज, सुबह भी भगवान के सामने, शाम को भी भगवान के सामने, सोने से पहले भी भगवान के सामने, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा। एक आदमी ने उसे पूछा, यार तू भगवान से मांग ही रहा है तो 1 करोड़ को मांग, भगवान के पास तो इतना है, अनंत है। नहीं, मैं ज्यादा लालची, मैं 1 करोड़ ही मांग। लगा हुआ ये बंदा 2 साल तक यही प्रोसीजर, सुबह भी शाम भी रात भी प्रार्थना कर रहा है। अब एक दिन भगवान उसके सपने में प्रकट हुए। भगवान बोलते हैं, मुझे बड़ी खुशी है, मैं चाहता हूं कि तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगे, लेकिन पहले लॉटरी का टिकट तो खुली। अब कई लोग है ना ऐसे है जिनकी लाइफ डिफॉल्ट पे चल ही हुई है, वो पड़े हुए हैं अपनी जगह पर, कुछ कर नहीं रहे, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये अपने आप। देखो अपने आप कभी कुछ नहीं होता, वी हैव टू टेक स्टांसेस इन आवर लाइफ, हमें कुछ ना कुछ खुद एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ठीक है, एक और फिल्म मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा व्हाट इज डिजाइन।